न्यू व्लॉगर इन द टाउन गाइस, बिकॉज हमारे साथ ना कल एक बहुत बड़ा सीन हो गया था गाइस, इसे 200 पार तो करना है इन रोडों पे, लेट्स गो। मुझे पीछे से उड़ा दे गाइस, ये भूल चुका है कि इसके पीछे इसकी दीदी भी बैठी हुई है। मधुमक्खी ने काट लिया भैया, तब जी ये वाली 30 लाख की है, वो वाली 22 लाख। एंड उड़ीसा हम लोग पहुंचेंगे 2021 तक, लेकिन यार कल रात सच्ची में इतनी बुरी बीत दी ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। और आज इस ब्लॉग की शुरुआत आई नो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रही है, बिकॉज हमारे साथ ना कल एक बहुत बड़ा सीन हो गया था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हम लोग 3 बजे तक ट्रैवल कर रहे थे एंड उसके बाद भूसा ने ना बहुत बड़ी बीटी देना शुरू कर दिया था। भूसा का आपको पता है लास्ट वाला प्रॉब्लम जो लास्ट राइड पे हुआ था, वो फिर से होना शुरू हो गया था। हम 2:30 बजे तक चले, उसके बाद ना भूसा रास्ते में बंद हो गई थी एंड फिर हम लोग एक ढाबे में रुके थे। हम लोगों ने सोचा भूसा को थोड़ा कूल डाउन करते हैं एंड पूरी रात हम लोगों को फिर यहीं काटनी पड़ गई, बिकॉज भूसा रात को स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी जाकर के हमने सुबह से कोल्ड स्टार्ट करा, अब जाकर के वो सुबह स्टार्ट हुई है। आई गेस यू नो ओवरहीट के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों ने सुजुकी इंडिया में कॉल तो करा था वापस, देवो सिंह की प्रॉब्लम दोबारा नहीं आ सकती, बट आज का जो हमारा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत खतरनाक था, बिकॉज कल रात हम लोग एक ढाबे में रह गए थे एंड लुक एट दिस, हमारा सामान पूरा इधर था। मैंने यहीं पर बैठ करके अपना पूरा व्लॉग एडिट कर लिया था। यहाँ से भोपाल अभी भी 250 किलोमीटर बचा है। हम लोग कल रात ही पहुँचा थे भोपाल, बट चीज़ें ना बहुत इधर उधर हो गई तो हम लोगों को यहीं पर स्टे करना पड़ा। अभी फिलहाल के लिए भूसा तो कोल्ड स्टार्ट हो रही है गाइस, सामान लोड करते हैं और निकलते हैं। और भाई व्हाट इज अप, बीड़ी पी रहे होगा तेरी माचिस? छिछी क्यों खराब कर रहे हो उनकी माचिस? ये जला के सही कर दी, निकल गई। अच्छा कैसा लगा कल ये तो बता दो। क्या कैसा लगा? यहाँ रुक करके दीदी को ये था कि हम लोग होटल रुकेंगे, बट हम लोग एक्चुअली गाइस होटल ही रुकते हैं, बट फिर बीच में प्रॉब्लम आ गई थी तो हम लोगों को ये रुकना पड़ा। अभी फिलहाल प्रणा भैया गाइस बात कर रहे हैं सुजुकी इंडिया में एंड उनसे कुछ प्रॉब्लम निकलने नहीं वाला, बिकॉज यू नो भोपाल में आई डोंट थिंक सो सुजुकी का शोरूम है। फाइनली गाइस हाया भूसा स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस अभी भूसा पे सामान लोड करते हैं और BMW पे पैनल लगाते हैं और निकलते हैं। सो यार वी आर रेडी टू गो एंड धूप निकल आई है अभी मस्त, सुबह के बज रहे हैं 10 एंड कुछ ही देर में हम लोग भोपाल एंटर कर जाएंगे। यार रात को ना बहुत ठंड हो रही थी तो मैंने इसकी ग्रिप हीटिंग और सीट हीटिंग ऑन कर रखी थी, तो अभी इसे ऑफ कर देते हैं, नहीं तो इतनी धूप में तो बम जल जाएंगे यार। ओ भाई वन शॉट स्टार्ट हो गई है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत ना अभी भूसा में यही चल रही है कि वो कभी स्टार्ट होगी और कभी स्टार्ट नहीं हो रही है। आई रियली डोंट नो क्यों इशू ये दोबारा आ रहा है, और वैसे भी अब तो ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, रात को तो बंद होने का मतलब ही नहीं बनना चाहिए इसका। लेकिन यार कल रात सच्ची में इतनी बुरी बीत दी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता हम लोगों ने कैसे सर्वाइव करी है। बस हम लोग 3-4 घंटे सोए, दैट्स इट। और मैंने ना व्लॉग रात ही को एडिट कर लिया था, बिकॉज कुछ करने को तो था ही नहीं, तो फिर रात को एडिट करके सारा काम निपटा लिया था। आजकल ब्रांड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है तो फिर इस कारण से ना रात को ही काम करना पड़ रहा है। और अभी सबसे बड़ा सीन है कि अभी हम लोग मेन लोकेशन पर नहीं पहुँचे हैं, एक बार हम लोग मेन लोकेशन पर पहुँच जाएंगे ना उसके बाद मीटअप और लोगों से मिलके तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है डे। लेकिन आज फाइनली गाइस हम लोग भोपाल पहुंच जाएंगे एंड उड़ीसा हम लोग पहुंचेंगे 2021 तक, बिकॉज बीच में ना मेरा इवेंट भी है तो ये शेड्यूल थोड़ा सा टाइट हो रखा है मेरे लिए, बट मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊँगा फ्लाइट करके। तो यार ऐसा वे स्टेलिंग कि हम लोग भोपाल एंटर करने वाले हैं, तो यू नो आप ये जो गाय माता देख रहे होंगे इतनी सारी गाय माता है ना, एंड ये ना रोड पे कभी भी आ जाती है, तो मेक श्योर गाइस जब भी आप इस साइड आओ तो धीरे ही चलना, लाइक 100-150 इतना कि आप आराम से ब्रेक मार पाओ। दिन में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रात को तो पता है गौ माता दिखती भी नहीं है, तो बी सेफ गाइस, आराम से चलना है ना। तो यार हम लोग पहुँचने वाले हैं गुना, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक फ्यूल अप की ज़रूरत है, बिकॉज भूसा में ना फ्यूल ख़त्म हो गया है। इस पर तो अभी बचा है शायद, लेट मी जस्ट चेक कितना फ्यूल बचा है इसमें, 177 किलोमीटर। मैं भी करवा ही लेता हूँ यार। भैया कहाँ रोक दिया आपने? भैया 109 रुपये है क्या फ्यूल यहाँ? भाई कितना महंगा हो रखा है फ्यूल। भाई हमारे यहाँ पावर 9800 का है, पावर कितना है भैया? 115। तो गाइज हम लोग करवा रहे हैं फ्यूल अप, अभी BM दिखा रही थी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। पूरे भोपाल में अनाउंसमेंट करा दी। तो यार फ्यूल अप हो चुका है हमारा, प्रणय भाई को कुछ काम है तो 1 मिनट रुक रहे हैं और फिर इसके बाद ना खाना खाने रुकते हैं कहीं पर, बिकॉज हम लोगों ने ढाबे में खाना नहीं खाया था कल रात भी, सो बहुत भूख लग रही है गाइस। उतरना दीदी उतरना, रुक रुक मैं साइड कर रहा हूँ। मधुमक्खी ने काट लिया भैया, चाबी रगड़ फटाफट इधर भयंकर।
यहाँ पे यार पर बहुत भैया आज जन जन आ गया भयंकर, अंदर घुसी वो और वहीं से सीधा अंदर। ये देखो ये देखो ये रहा, हाँ चाबी कहीं और रगड़वा दी तूने पहले। हाँ सुनो क्या, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ काट है। कोई नहीं, एक एविल ले लेंगे अभी। भैया मत करो, फालतू रिएक्शन हो जाएगा भाई। रिएक्शन नहीं होगा, मैं तभी कह रहा हूँ, ये नहीं तो ये इतना सूज के इतना मोटा हो जाएगा। भैया मधुमक्खी तो नहीं थी लेकिन वो भाई कुछ काला सा था, इतना बड़ा कहाँ देखा आपने? देखा मैंने, मैं तेरे पीछे क्यों था। सूझना शुरू हो गया भैया। तो गाइस वीडियो अपलोड हो रही है एंड अभी मधुमक्खी ने काट लिया था तो रुके थे हम लोग, और मेरे हाथ पे अब दर्द होना शुरू हो चुकी है सच्ची में। बस सूजन और बुखार ना आए। मैं दो दिन पहले मम्मी को कर रहा था धूप धूप जाली मकड़ी मकड़ी। खुद ही कट गया गाइस मधुमक्खी से। मालिक इससे नीचे उतरने की भी होती है, पूरे रास्ते पर घर से तो आप इसी में बैठते भाई दीदी। पर ना भैया को देखो भाई, चीखे मार रखी भाई। क्या बोल रहा? यहाँ से घुसी दीदी हो, यहाँ से। हाँ अंदर होगी तो बाहर ना निकल पाए। तो यार अभी मधुमक्खी ने अंदर काट लिया तो, और सच्ची में दर्द हो रहा है हल्का हल्का। मकड़ी मकड़ी धूप धूप जाली। तो यार अभी हम लोग रुके हैं कुछ खाना खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। दीदी हाथ तो नहीं काटना पड़ेगा ना? हाथ तो नहीं काटना पड़ेगा, मेरा एक हाथ निकली है। प्रणव भैया हॉकी के एक बहुत बड़े प्लेयर थे। तो यार हम लोग रुके थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एंड मैं जस्ट अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था और लुक एट दीक्षा दी बत के छेड़ दिए। अभी पीछे पड़ेगी ना, अभी पीछे पड़ेगी ना, देखना छूके दिखाओ, छूके छूके ढंग से छूके दिखाओ दीदी। 2000 रुपये दूंगा, 2000 रुपये। छी छी ले 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 तो यार चेक दिस आउट, हम लोग ना पिछले एक घंटे से नेटवर्क जोन के बाहर हैं एंड इस वीडियो को अपलोड होने में ना ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा लग चुका है। अभी 99% अपलोड हो गई भैया, हो गए। मेरे को लग रहा था कि ना ये 100% पे जाके दोबारा से अपलोड ना हो जाए, बट फाइनली गाइस वीडियो अपलोड हो चुकी है। डेली व्लॉगिंग ना थोड़ा सा मुश्किल है, रात रात भर एडिटिंग करना पड़ता है, रात के 4-4 बजे तक। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। दिन करी है इसने सिर्फ एक, नहीं तो जिस समय आप वीडियो देखते हो सिर्फ 1 घंटा पहले बैठते हैं एडिटिंग पे। बट गाइस डेली व्लॉग आ रहे हैं, मुझे पता है मैं कैसे करके कर रहा हूँ, बट बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ना राइड्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इतना हेफ्टी शेड्यूल हो जाता है, ऊपर से सारा काम मेरे को करना पड़ता है, पैनियर्स मेरे को बांधने पड़ते हैं, सामान मेरे को पैक करना पड़ता है। मेरा भी यही कर रहा। मैं आपको सच्ची बता दूं गाइस, मेरा सारा काम ना प्रणव भैया करते हैं, फोन की बैटरी से लेकर के गोप्रो के चार्जर तक सब कुछ प्रणव भैया करते हैं। जब तक प्रणव भैया है ना तब तक डेली व्लॉग्स आ रहे हैं। वैसे तो भव्या के कारण भी आते हैं, भव्या भी कर ही लेती है, बट भव्या को ना 10 चीज़ें सिखानी पड़ती है, ये कर ये कर, और वो कुछ सामान छोड़ देती है ना तो बोलती क्या ही हो गया, नया ले लेना। वैसे सामान तो प्रणव भैया ने भी छोड़ दिया था इस बार एक। कोई बात नहीं गाइस, इंस्टाग्राम में जाकर के डीएम मत करना भैया कि बाबू भैया को गोप्रो क्यों खो दिया, कोई मत करना। फिलहाल गाइस वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड अभी खाना वाना खाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं यार भोपाल के लिए। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, मस्त खाना खा लिया हम लोगों ने। अरे अभी तो नींद आ रही दीदी। भाई साथी तो छाई ना दीदी, साथी छाई ना, केटी छाई ना, एक बोझ भाई नहीं छा गर्मी थोड़ा कम होना शुरू है। गाइस चेक दिस आउट, एमपी कितना सुंदर है यार, कितनी सही सीनरी यार। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब हम लोग भोपाल आ रहे थे तो हमें चंबल की घाटी मिली थी एंड ऑलमोस्ट शिवालिक हिल्स यार यहाँ पर, बट पूरा प्लेन्स का एरिया है, दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट। पहाड़ों में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बट ऐसे रोडों पे राइड करने में जो मज़ा आता है ना भाई, चेक दिस आउट कितना सुंदर है भाई। तो यार टाइम हो चुका है 3:44 एंड हम लोग जस्ट अभी वीडियो पब्लिक करने के लिए रुके थे और वीडियो पब्लिक हो चुकी है। 10 मिनट में 30,000 व्यूज भैया, भाई लोग तो भाई क्रेजी, भाई क्रेजी रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं व्लॉग्स में। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार दिखाने के लिए। अभी फिलहाल गाइस इंस्टाग्राम पर स्टोरी मेंशन करते हैं बिकॉज जब भी व्लॉग जाता है ना बहुत सारे लोग स्टोरी मेंशन करते हैं यार। मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मली मेरा इंस्टाग्राम कैसे फ्लड हो रखा होता है, ये देख रहे हो भयंकर। ये वेलकम उड़ीसा बाबू भैया, इतने सारे DM है ना उड़ीसा से। थैंक यू सो मच गाइस इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। क्या ले ताऊ जी, बढ़िया बढ़िया ताऊ जी, बताओ ताऊ जी आप कितने की होगी, आप बताओ।
तब जी ये वाली 30 लाख की है, वो वाली 22 लाख। हाँ जी ये बहुत बड़े आदमी है ताऊ जी। भैया उड़ीसा किस तरफ है? उड़ीसा 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 भाई उड़ीसा। इनसे पूछो ना भैया उड़ीसा का रास्ता कब तक है? ची ची इतनी सुंदर लड़की को भी अगर लौंडे एड्रेस नहीं बता रहे ना, मैं नीचे कुदा रहा हूँ, तेरी नीचे कुदा रहा हूँ, मैं इस खाले में कुदा रहा हूँ भाई। अगर मैं इतना हॉट होता ना कस है भैया उड़ीसा। जो भी मिलेगा ना बोलना। गाइस दीक्षा दी के साथ इतना मजा आता है ना रोड ट्रिप्स पे, एंड इनकी पहली रोड ट्रिप है, पूरा रोला मचा रखा है भाई, पूरा का पूरा रोला, बहुत फन हो रखा है। भोपाल इज 171। वूहू। एंड पता है क्रूज कंट्रोल लगा करके ना यही फायदा होता है, आप आराम से ग्लव्स लगा सकते हो, पानी पुनी पी सकते हो, एंड आप बीड़ी भी पी सकते हो। तो यार ऑलमोस्ट शाम होने वाली है एंड अब राइड का मजा आ रहा है। दिन में ना बहुत गर्मी होती है यार, कसम से बाइक चलाने का मन नहीं करता, अब जाकर के गर्मी थोड़ी सी कम हुई है एंड इट्स रियली फन। प्रणब भैया तो पता नहीं कहाँ निकल गया हायाबूसा में यार, तो पकड़ते यार उन्हें फिर। हाँ ले सकते हैं। अच्छा बढ़िया, आप कैसे? शुक्रिया भाई। भैया आप कहाँ भोपाल तक जा रहे हो? मैं इंदौर जा रहा हूँ। इंदौर ना था, हमें भी ले चलो। हम थक गए। ड्रोन शॉट लेने ले यार। ला लेट्स गो। तो गाइस हम लोग रुके यहाँ पर ड्रोन शॉट लेने के लिए, आड़े भी मस्त ड्रोन निकालते हैं। ला इससे दिन यही मंडप बिछा देंगे रास्ते में ना, लोगों को पूछते जा रही है, बोली हेलमेट गए, लाइसेंस दिखाओ, मेरे को बेटी। लड़कों से पूछा कि भोपाल गए, किसी ने भी आंसर नहीं करा। भैया भोपाल शांत, उड़ीसा मचाएंगे भैया, रहन दो भैया, फिर दो तीन दिन यही निकल लेंगे। बताओ भयंकर जिसकी बाइक है उसको कोई पूछता ही नहीं भाई, ऐसे कूद जाती थी। मेरे को भी शरीर ना प्रणब भैया जितना बड़ा करना पड़ेगा, तब लोग मेरे को वैल्यू करेंगे कि भाई इस 25 साल के लौंडे की है बाइक, कसम से। राम रो संग उतरनु वा अजूड़े के पनी भाई, अजूड़े मम्मी ने मेरे को गर्दन एकदम काटी रखो, बली दे के रखो। बंदर ये अभी हेलमेट खोल के निकलेगा। राजू बंदर ना ही तो होनी थी दो तीन दिन से ना। भैया 200 रुपए एक फोटो का, भैया 200 रुपए एक फोटो का। सो हेलो जी, फाइनली हम लोग रुके मस्ती जगह में और हम यहाँ पर उड़ाने वाले ड्रोन, और ये देखो गाइस मेरे काम करने वाले लोग कितने अच्छे लोग हैं गाइस, मैं आप दोनों की इतनी तारीफ करते आ रहा हूं ना, इतना सारा काम करते हैं, कुछ खो का मत देना भव्य की तरह, तेरा आज ये ड्रोन खोएगा, प्लीज मत करो भैया पानी में। वैसे भी गाइस अभी हम लोग पानी में ड्रोन उड़ाए, मत बोलो, हम जो बोलते हैं ना वो हो ही जाता है, भगवान करे दीक्षा दी को एक अमीर पति मिले, है ना? ये अच्छा बोला ना पहली बारी? नहीं बोला तूने, अच्छा गरीब है क्या दीदी आपका पति? तो यार अभी हम लोग उड़ा रहे हैं ड्रोन, और आज हम लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं प्रणव भैया के। भैया अगर आप, ये मैं तो ऐसे कर दूंगा भैया, आपको विकलांग का कोटा मिलने वाला है। रेलवे में डिस्काउंट, आपके बच्चों को डिस्काउंट मिलने वाला। भैया इधर उधर मत करना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कसम से। भैया जय श्री राम, जय श्री राम। भाई छूगा तो नहीं ना भैया? भैया हाथ पे दिलाओ, सच्ची बता रहा हूँ, क्या बोलूं? न्यू व्लॉगर इन द टाउन गाइज, चलो बैठ जाऊं। हेलो गाइज, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं थोड़े कुछ ड्रोन शॉट्स लेके, दिस इज माय फर्स्ट टाइम और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा था कि मैं शायद नहीं हो पाएगा मेरे से इतना दूर, बट ऑल थैंक्स टू माय ब्रदर अनुराग एंड प्रणव भैया, बहुत अच्छे से इन्होंने सपोर्ट किया है मुझे पूरे राइड पे, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इस पे तो फिर तेरी खोपड़ी दिखेगी, तो मुझे साइड होकर और क्या बोलूँ अब मैं।
गाइस अनुराग ने मुझे ये GoPro पकड़ा दिया है, बोला है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, ये मेरा पहली बार है। मुझे पीछे से उड़ा दे गाइस, ये भूल चुका है कि इसके पीछे इसकी दीदी भी बैठी हुई है, बिल्कुल उड़ाने में लगा हुआ है ये मेरे को। व्हाट्सअप, क्या हाल है? बढ़िया। हाँ फोटो मस्त लो भाई, 200 रुपए फोटो का भाई। ये देखो गाइस हमारे अमीर सब्सक्राइबर, ये देख रहे हो भैया, ये धंधा शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस थैंक यू सो मच। चलो ओम मंगलम भाई, मजाक करते भाई हम लोग। अरे भाई हेलमेट निकाल के ले लो फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस इतने सारे लोग मिल रहे हैं ना अपने, अभी तुम भोपाल एंटर करे भी नहीं है, और प्रणव भैया ने ना इंस्टा पे स्टोरी लगवा दी कि भोपाल की अनाउंसमेंट कर दे। मैंने कहा कोई बात नहीं आप ही चलोगे, मैं तो इस बार अंडरग्राउंड होकर के आ रहा था, बट कल ही लोग हमारे ग्रुप पे इतने सारे ना। बाय गाइस। प्रणब भैया ने कुत्ते गाय सब डरा रखी है रोड पे भाई। सो गाइस ये रोड ट्रिप इतनी फन जा रही है ना, हमें ना फर्क ही नहीं पड़ रहा है डेस्टिनेशन का, एंड आप लोगों के ब्लॉग्स में जो कमेंट्स आ रहे हैं ना भाई, इतना मजा आ रहा है लोगों को रोड ट्रिप पे। और अभी तो रोड ट्रिप शुरू हुई है, पता आपको मेन रोड ट्रिप तो अभी उड़ीसा की है जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं, एंड इंदौर में भी मीटअप का प्लान कर रहे हैं, आज जा करके सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, तो संडे का प्लान कर रहे हैं हम लोग। आई गेस ये वाला ब्लॉग संडे को ही आएगा। एंड चेक द सीनरी आउट यार, कितना सुकून, कितना ठंडी जगह पहुँच रखे हम लोग। अब जा करके टेम्परेचर गिरना शुरू है, 29 डिग्री प्लस चल रहा है, 30 डिग्री के आसपास। दिन में तो ये टेम्परेचर अराउंड लाइक 40 के आसपास था। और अभी दीदी आपके जूते छूट गए, जूते छूट गए आपके, और पड़े हुए थे ना रोड। तो यार भोपाल की रोडें ना बहुत प्यारी है, तो अब स्पीड खींचना तो बनता है। मैं इतने टाइम से BM चला रहा हूँ, लेट मी गेट ऑन टू भूसा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल, वो बल्ले बल्ले। एंड गाइस भोपाल घुसते ही ब्रो सेना इज ऑलरेडी हियर, शुक्रिया इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। लास्ट टाइम याद है ना जब हम लोग भोपाल आए थे, हम लोगों ने क्या कांड करे थे भाई, पूरा भोपाल जाम। इस बार हम लोग मीटअप भोपाल में तो नहीं रख रहे हैं, बट हम लोग इंदौर का मीटअप फॉर श्योर रख रहे हैं गाइस, एंड जब तक ये ब्लॉग आएगा उसी दिन मीटअप होएगा। फिलहाल हम लोगों ने होटल ऑलरेडी बुक करा दिया, तो अभी हम लोग डायरेक्ट होटल की लोकेशन पे जा रहे हैं। गाइस इतना अच्छा लग रहा है ना भोपाल आकर के, कसम ऐसा लगता है अपने ही शहर आ चुके हैं। एंड अब तो मुझे ना भोपाल की 2-3 रोडें भी पता है घूमने वाली, बाकी कमेंट सेक्शन में तो बता ही दो कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। एंड हम लोग ना बाहर बाइक में घूमेंगे या कार में घूमेंगे, देखते हैं। हायाबूसा तो अवॉइड ही करेंगे फिलहाल, बिकॉज हायाबूसा ले जा करके फिर भीड़ वाला कलेश। जय हो भगवान जी। तो यार एक्चुअली भोपाल है लेफ्ट, एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी VIP रोड। हमारा होटल ना VIP रोड के पास ही है। कर्मा कर्मा दीदी कर्मा भैया कर्मा, इसी में रुक जाए। तो यार इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे ना सच्ची में भाई साहब, एंड हम नहीं चाहते यार हमारी लोकेशन रिवील हो सुबह तक। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ पक्का भाई पक्का, जल्दी ले लो यार। ओके वो बंदा बोल रहा है मैं इससे स्नैपशॉट ले लूंगा, सेल्फी और स्नैपशॉट में डिफरेंस होता ना। तो बॉयज रात के बज रहे हैं 10, एंड वी आर फाइनली इन भोपाल। इतने 3 दिन बाद हम लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम लोग भोपाल पहुंच चुके हैं। 4 दिन बाद भाई, चौथा दिन चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे, रास्ते ही नहीं खत्म हो रहा। रास्ते इसलिए नहीं खत्म हो रहा था क्योंकि हम लोग हर 1 घंटे बाद हर 50-100 किलोमीटर मजे करे इस बार। हाँ, सच्ची में, लेकिन इस बार ही हम लोगों ने ना बहुत मजे करे। फिलहाल गाइस मैं आपको बताता हूँ हम लोग भोपाल पहुंच गए ना, तो प्रणव भैया कल आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा, आप खुश हो जाओ। बता दो यार सरप्राइज कैसे रहेगा आपको, पता यार ये तो बात गलत है। तो सरप्राइज का मतलब क्या होता है?
कल कल जो सरप्राइज हम लोग प्रणब भैया को देंगे ना, आई स्वेयर गाइस प्रणब भैया इमोशनल हो जाएंगे और बहुत खुश। बट कल का सरप्राइज गाइस कल ही मिलेगा। फिलहाल गाइस इंदौर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है मीटअप की, तो मैं बताता हूँ आपको फिलहाल। नहीं वो तो ठीक है, सरप्राइज गए तो बता दे। मालिक ये राजबून के साथ चला गया।